हाई हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या ट्रू फीलिंग्स, क्या डीप ट्रू इंटेंशंस, डीप ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस आप लोगों के लिए क्या हैं। ठीक है, आपके लवर के, आपके पर्सन के, जिसके लिए भी आप लोग रीडिंग को देख रहे हो, आपका नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, और ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन सिचुएशन है, कुछ भी सिचुएशन है, रीडिंग आप लोगों के लिए ओपन है। सो गाइस, देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, डीप ट्रू फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं उनके आपको लेके। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot313। एंड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आपका किसी के लिए भी रीडिंग को देख सकते हो गाइस, जो पर्सन आपके माइंड में है, देखेंगे उनके आपके इमोशंस आपको लेके क्या हैं, क्या वो आपके लिए फील कर रहे हैं, उनकी क्या करंट एनर्जी है आपको लेके, आपके पार्टनर्स की। सो यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूवर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, उनकी क्या करंट फीलिंग्स, क्या इमोशंस हैं उनको लेके। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 27 वॉकिंग अवे। 27 इस पर्सन की एज हो सकती है। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वॉकिंग अवे का कार्ड है हमारे पास। देन वी हैव 22 ये नहीं है, काफ़ी टाइम के बाद ये कार्ड्स आए हैं, ये एनर्जी आई है मेरी रीडिंग में। 22 इस पर्सन की एज हो सकती है, 27 एज हो सकती है। यस, वन मोर कार्ड, क्या है करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, जो जिसके लिए रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट इमोशंस क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके लिए। देन वी हैव नंबर 7 कम्युनिटी। 7 नंबर भी गाइज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है, 21 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, स्ट्रैटेजी कंपास है डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन स्ट्रैटेजी बना रहा है, आप लोगों की तरफ आना चाहता है, बिकॉज दे वांट टू यूनियन विद यू। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ यूनियन करना चाहता है और आपको मिलना चाहता है, मीटिंग करना चाहते हैं बेसिकली। आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि ये पर्सन आपसे मीटिंग करे। यस, स्पिरिट से भी कनेक्टेड हो रहा है गाइस, ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है। 32 इसकी एज हो सकती है, 21 एज है, यहाँ पे 7 ईयर्स का आपका हो सकता है डिफरेंस भी हो सकता है एज का, बट इट्स नॉट नेसेसरी। बट गाइस, जिस तरह आपसे रेजोनेट करेगा आप लोगों ने वैसे लेना। मैं आपको जो मैसेजेस मुझे आएंगे मैं आप लोगों को वो देती जाऊँगी। सो डेफिनेटली फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे कार्ड है वॉकिंग अवे का, ये पर्सन आपसे वॉक अवे गाइस कर चुका है। ये पर्सन ने खुद आपके साथ कनेक्शन ख़त्म किया है, आपको छोड़ के चले गया था, आपसे वॉक अवे कर गया। इमोशनली ये पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया है, ये पर्सन ने आपको इमोशनली फुलफ़िल बिल्कुल भी नहीं किया जब आपको इस पर्सन की नीड थी। सो अब ये पर्सन को आपकी नीड हो रही है, सो दैट्स वे ये वॉक अवे तो कर गया था, बट इसकी नज़र आप पे। ये जैसे लड़की आगे जा रही है, यहाँ पे गेट खुला है, तो ये पीछे को देख, मतलब आगे जा रही है लेकिन देख पीछे रही है। ठीक है, दे आर लुकिंग बिहाइंड। सो डेफिनेटली आपके पर्सन चले तो गए आपको छोड़ के, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन की नज़र आप पे है, ये वापस आना चाहता है आपकी लाइफ, बिकॉज बैलेंस करना चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन को, मीटिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर्स, ये चाहते हैं किसी गेट टुगेदर में आपसे मिलें या गेट टुगेदर करें आपसे, आपके साथ मीटिंग करें, आपके साथ फिजिकली ये पर्सन मिलना चाहता है। ठीक है, डेट करना चाहते हैं आपसे, मीटिंग करना चाहते हैं, किसी पार्टी फंक्शंस में भी ये पर्सन आपको कहीं मिल सकता है। ये पर्सन हो सकता है आपकी टीम वर्क भी सेम हो, फ्रेंड हो सकता है आप लोगों का, बट ये नैन गैंग, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, जो भी आपकी सिचुएशन है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से चेंज हो, बट यिन एंड यांग का कनेक्शन है डेफिनेटली। दिस इज़ योर सोलमेट एंड दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से चेंज हो, बट फिर भी इस पर्सन को लगता है आप बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। सो दैट्स वाई गाइज, ये पर्सन आपसे मीटिंग करना चाहता है। हो सकता है यहाँ पे आपके कनेक्शन में कुछ लोगों के थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, या तो ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्शन में है, या ये पर्सन किसी के साथ मैरिड हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या कोई ना कोई तो यहाँ पे है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उनके थ्रू आप लोगों की मीटिंग हो जाए। आपके फ्रेंड्स यहाँ पे मिलवा सकते हैं आपसे, म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके इस पर्सन से, बट ये नहीं आएंगे, पर्सन बैलेंस चाहता है गाइज आप लोगों के साथ। दिस इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। 22 की एनर्जी है डेफिनेटली, 2 नंबर इज द नंबर ऑफ बैलेंस, ये बैलेंस चाहता है, हारमोनी बनाना चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन में, बिकॉज मिलना चाहता है आपसे, इसकी एनर्जी यही है। ये पर्सन इस टाइम स्ट्रैटेजी बना रहा है, किसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी को बना के देन ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा और आपसे मिलेगा। ओके, बिकॉज यूनियन चाहता है ये आपके साथ, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर्स आपके साथ।
ये कार्ड्स काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। चलिए लेट्स सी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के उनके लिए क्या है, व्यूअर्स गाइड करें, व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं उनको लेकर। सो फर्स्ट है हमारे पास डेथ, स्कॉर्पियो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है गाइस। देन वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स करंट इमोशंस क्या हैं उनको लेकर। द सन, लियो, या दिस इज योर सोलमेट, एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एट ऑफ वॉन्ड्स, यस, डबल एट, ट्रिपल एट नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट इज द नंबर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ आगे रिलेशनशिप रखना चाहता है। फोर ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, रिलेशनशिप गाइज ये पर्सन आपके साथ रखना चाहता है। एंड यहाँ पे है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ स्वॉर्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, द एम्परर, या। सो गाइज इस टाइम तो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, डेफिनेटली आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही। यस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रहा, आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिसके लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो, बट डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन हार्ट टेक से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा सैड है, हार्ट टेक की एनर्जी है, सैडनेस है, आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर्स, ठीक है। इस टाइम इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहा है। एक्चुअली गाइज ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, दे नीड टू मेडिटेट एंड दे नीड टू हील योर सेल्फ, ये पर्सन इस टाइम अपने आप पे हीलिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसको अभी पीस की ज़रूरत है बिकॉज मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस पर्सन का, सो दैट्स वाई दे नीड टू सम टाइम फॉर योर सेल्फ, इसको अभी पर्सन को अपने लिए टाइम चाहिए ताकि ये हील हो सके बिकॉज ये कन्फ्यूज है इस टाइम, ये पर्सन के माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि इसने आगे ये क्या करे, कैसे आप लोगों से बात करे, बिकॉज चीज़ें इस पर्सन ने ख़राब की हैं, आपसे वॉक अवे करके गया है, तो अब उस चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी भी तो इस पर्सन को कोई स्ट्रॉन्ग बनानी है ना, तभी आपकी तरफ आएगा। सो दैट्स वाई ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सोच रहा है, कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर वो सोच रहा है क्योंकि ये काफ़ी सैड है आप लोगों को छोड़ के, इसका दिल दुखी है। यहाँ पर डेफिनेटली थ्री ऑफ स्वॉर्ड है, जो हार्ट, जो एक हार्ट है यहाँ पे उसको क्रॉस करते हुए जा रही है और यहाँ पे ब्लड नीचे ड्रॉप हो रहा है, टपक रहा है खून यहाँ, तो डेफिनेटली दे आर ब्लीडिंग, ये पर्सन ब्लीड कर रहा है गाइस, या। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, ये इस रिलेशनशिप पे, इस कनेक्शन पे अब हार्ड वर्क करना चाहता है और आपके साथ कनेक्शन को आगे लेके चलना चाहते हैं बिकॉज पास्ट में तो आप इस कनेक्शन में को बहुत ज़्यादा दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आप ही दे रहे थे, अब ये पर्सन खुद रेडी हो रहा है, हार्डवर्क करना चाहता है इस कनेक्शन पे बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में हो सकता है फाइनेंसिस की इस पर्सन को प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुका था, ठीक है, कर गया है अब, बट अब ये आपसे वापस आना चाहता है बिकॉज फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। सो दैट्स वाई ये अब आपके पास आके आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है बिकॉज फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है ये पर्सन, दे आर रिच, दे आर वेल्थी, सो दैट्स वाई देर आर प्लानिंग टू रीच आउट टू यू, ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है आपके पास आने की, कि आपके पास कैसे आए, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करें बिकॉज द सन की एनर्जी है, ये पर्सन प्रोग्रेस चाहता है, सक्सेस चाहता है इस कनेक्शन में, आपके साथ यूनियन करना चाहता है, ठीक है, हैप्पीनेस इस पर्सन की आपसे जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ये पर्सन आपसे बात कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है 8 days में, 8 hours में, ठीक है, बिकॉज न्यू बिगनिंग ये पर्सन आपके साथ करना चाहता है और न्यू कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइस, ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है इस कनेक्शन की, दोबारा से आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं और दोबारा आपको इस कनेक्शन के लिए कमिटमेंट देने के लिए ये पर्सन रेडी हो रहा है, आपके साथ बात करना चाहते हैं, डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहा है और आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। सो ये रिबर्थ चाहते हैं आपके पार्टनर इस टाइम फील कर रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट करें बिकॉज ग्रोथ ये पर्सन चाहता है आपके साथ, रिलेशनशिप आगे लेके जाना चाहता है और डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर्स की यहाँ पे जो सोच रहे हैं ना, आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं बिकॉज ये आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, द एम्परर की एनर्जी है, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है आपको, एंड सी यहाँ पे है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन प्लान कर रहा है गाइस, सो आपको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली और एम्परर, यहाँ पे जो कार्ड कॉम्बिनेशन आया है यहाँ पे, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपको
स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है। सो ये जो सॉलिड ऑफर लेके आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो स्पीड होती है वो सब नाइट से कम होती है, बट ये देगा आपको स्टेबल कमिटमेंट। ओके, सो ये सोच रहे हैं। सो गाइज, आई फील लाइक के बहुत से लोग यहाँ पे यहाँ तो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ दोबारा आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। सो आप वो प्लान कर रहे हैं कि आपको दोबारा कैसे अप्रोच करना है, आपसे कैसे बात करनी है, ठीक है, बिकॉज इसने या तो किसी की बातों में आके आपके साथ रिलेशनशिप अपना ख़राब किया है, अपना कनेक्शन। सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहा है, बिकॉज ये आपसे बात करना चाहता है। आपसे बात किए बिना गाइज ये पर्सन बिल्कुल भी मतलब हैप्पी नहीं है। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहता है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी में भी है, दैन डेफिनेटली ये वहाँ पर वहाँ से निकलना चाहता है। या तो इसका वहाँ पर कोई केस ऑलरेडी चल रहा है, अगर नहीं है दैन डेफिनेटली ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है वहाँ से निकलने की, फिर आपकी तरफ आएगा, आपको रीच आउट करेगा, बिकॉज ये ग्रोथ चाहता है आपके साथ कनेक्शन की, और आपसे बात भी करना चाहता है, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, बिकॉज एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ये यही है मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कार्ड कॉम्बिनेशन में, कि ये पर्सन आपके मैनिफेस्ट कर रहा है और आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये पर्सन चाहता है कि आप इस पर्सन को एक चांस दो इस कनेक्शन में, ताकि आपके दोबारा रिलेशनशिप में कनेक्शन में दोबारा से स्टेबिलिटी आए। ओके, बट या सो फिर भी मैं देख लेती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का इस कनेक्शन में, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप लोग भी काफ़ी सैड हो, आप लोग भी चाहते हो रिकॉन्सिलिएशन करना, और ये पर्सन आपको दोबारा कमिटमेंट दे, आप ये भी चाहते हो, ठीक है। पहले आपका फाइनेंसिस की वजह से इस पर्सन का कोई करियर सेटल नहीं था इस पर्सन का, दैट्स वाई आपका ब्रेकअप हुआ है, बट अब ये पर्सन काफ़ी सेटल हो चुका है मुझे फील हो रहा है, ठीक है। अगर सेटल बहुत ज़्यादा भी नहीं है देन पहले से थोड़ी कंडीशन इस पर्सन की बेटर है। आप देखते हैं हम नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके लिए, उनकी तरफ। यस गाइस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड रहेगा, ठीक है, देन आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, बिकॉज आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है जैसे आप भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हो, सो दैट्स वाई ये आपके साथ आपको डेट करना चाहता है, क्योंकि हेल्पलेस और होपलेस है। आप कहीं ना कहीं पहले इस पर्सन को चेस कर रहे थे, बट आप लोगों ने चेस करना छोड़ दिया है। सो गाइस, ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करेगा, बट रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस यहाँ पे 5 to 6 months में या उससे पहले नहीं है। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।